किसान ने पानी की वजह से छोड़ी अपनी परंपरागत खेती और अपना लिया बगीचे का फसल करने का आइडिया। जिस तरह से आज किसान बागवानी से अपनी फसलें कर रहे हैं वो काफ़ी मुनाफादार साबित हो रही है। ऐसे ही एक किसान ने अपने बगीचे से नींबू की फसल पैदा करते हुए काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। एक किसान की कहानी है जो अपनी परंपरागत खेती को छोड़ते हुए नींबू का बगीचे से नींबू की फसल पैदा कर रहा है, तो वो काफ़ी मुनाफादार फसल रही है और काफ़ी मुनाफा दे रही है ये फसल किसान को, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। कहा जाता है कि किसान अपनी फसल को लेकर जिस तरह से क्या कुछ नहीं कर सकता और क्या कुछ नहीं करता, ये सभी चीज़ें किसान के ऊपर रहती है, क्योंकि किसान अपनी फसल को लेकर काफ़ी परेशान रहता है तो काफ़ी खुश भी रहता है। कभी यहाँ बूढ़े रेतीली ज़मीन में किसान के पास परंपरागत खेती करने के साधन थे, तो उसी तरह से किसान अपनी परंपरागत खेती किया करता था। लेकिन जैसे जैसे भूजल गिरता गया वैसे वैसे किसानों को परंपरागत खेती में पानी की समस्या से इतना मुनाफा नहीं हो रहा और वह किसान अपनी पैदावार भी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। उसी को देखते हुए किसान अब बागवानी की तरह जाने लगे तो वो काफ़ी मुनाफा का फसल मिले उनको और मुनाफा की फसल साबित हो। ऐसी आइडिया से किसान ने अपनी ज़मीन में नींबू का बगीचा लगा दिया और वो बगीचा आज किसान को इस तरह से साबित हो रहा है कि वो किसान की काया पलट कर दिया। कहा जाता है कि किसान इस बगीचे से हर साल लाखों रुपए की इनकम ले लेता है और किसान को इस बगीचे से कुछ ज़्यादा लागत भी नहीं करनी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ये बगीचे से किसान को नींबू की पैदावार भी अच्छी तरह से हो रही है। किसान बागवानी में पानी से भी नहीं जूझता और अच्छी इनकम का स्रोत भी कर लेता है। किसान काफ़ी कुछ बागवानी से करते हुआ अपनी फसल आसानी से बेच देता है और वो काफ़ी फायदेमंद रहती है। इसी तरह ये किसान की एक कहानी है। बताओ नाम। हाँ, मैं दुर्गालाल सैनी, ग्राम धोड़ा राव जी, तहसील जमारामगढ़। मैंने मेरा बगीचा 2005 में लगाया था, तो पहले आंवला और नींबू ही लगाए थे मैंने। उसके बाद में थोड़े बहुत अमरूद भी लगाए, दो दो चार चार पेड़ आम के, कटहल के, चीकू के, ये भी लगाए, उनमें भी अच्छे फल आ रहे हैं। आंवला मेरा चालू हो गया था, नींबू और आंवला 2009 में चालू हो गया था मेरा, तो दोनों मिला के 1-1.5 लाख रुपए का पहली बार में बेचा मैंने। और उसके बाद में आम वगैरह और चीकू, अमरूद, ये सभी फल देने लग गए। इनको मिला के दूसरी साल में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हर साल बढ़ता गया। 4 लाख, 5 लाख, आज 5 लाख, 6 लाख रुपए तक पूरा प्रोडक्ट बिक जाता है मेरा।